अर्थव्यवस्था में मंदी को लेकर विपक्ष के लगातार हमलों पर पीएम का पलटवार, कहा कुछ लोगों को निराशा फैलाकर अच्छी नींद आती। कुछ लोगों को निराशा फैलाने में बड़ा आनंद आता है, अद्भुत आनंद, उनको रात को बहुत अच्छी नींद आती है। जीडीपी दर में कमी को लेकर मोदी का आलोचकों को जवाब, पूछा क्या पहली बार किसी तिमाही में आई है गिरावट। विकास दर के सवाल को लेकर मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकार में 8 बार 5.7% से नीचे आई थी जीडीपी। जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री ने कारोबारियों को दिलाया भरोसा, कहा फैसले की समीक्षा करेगी जीएसटी काउंसिल। मंदी के कयास पर आरबीआई की आधिकारिक मोहर, विकास दर का अनुमान 7.3% से घटाकर 6.7% किया। आरबीआई के मुताबिक जनवरी से मार्च तिमाही में 4.6% रह सकती है महंगाई दर। ईएमआई में कटौती की उम्मीदें चकनाचूर, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट 6% और रिवर्स रेपो रेट 5.75% पर बरकरार। पेट्रोल डीजल में लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सभी मुख्यमंत्रियों को लिखेंगे चिट्ठी, वैट कम करने की अपील। बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के घट सकते हैं दाम, गुजरात में जल्द ही कम हो सकते हैं वैट। आज आगरा में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन, फिर 5 साल के लिए अखिलेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय, बैठक में मुलायम के भी शामिल होने के आसार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले शिवपाल यादव ने अखिलेश को किया फोन, अध्यक्ष ने जाने की अग्रिम बधाई। रेलवे टेंडर घोटाले में आज आरजेडी के मुखिया लालू यादव से होगी पूछताछ, दिल्ली में सीबीआई के सामने पेशी। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे राहुल, आज जनता दर्शन में आम लोगों से करेंगे मुलाकात, तिलोई में पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने मां दुर्गा के मंदिर में लगाई हाजिरी, माता का लिया आशीर्वाद।